आप किस बिना पे छाला भी पड़ गया है। होली के दिन पता नहीं क्या खाया और कैसे तो मुंह में छाला पड़ गया है, और छाला पड़ने की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है, और वो छाला छोटा सा है और इतना दर्द कर रहा है कि पता नहीं मेरे कैसे ग्रह चल रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल बिखरा हुआ है, क्योंकि लंच जो है वो मैंने बना लिया है, सब लोग ने खा लिया, और खाने के बाद इतना ज्यादा हो गया है ये बर्तन वगैरह, क्योंकि चाय वाय सब फिर से सबने चाय भी पी ली है, और शाम के 4 बजे जो इतना ढेर सारी ये बर्तन होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो जा रही हूँ अपने बर्तन में लगने के लिए, और मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो ससुराल में है ना, इससे ज़्यादा बर्तन हुआ करते थे, और बर्तन ये होते थे कि बर्तन तो सबके घर में होते हैं, पर मेरे ससुराल में टाइम टू टाइम बर्तन होते थे, मतलब कि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते थे। और वहाँ पर एक बल्कि मेड भी लगी हुई थी, और मेड जो है सुबह और शाम, मतलब उस घर में रहने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 टाइम बर्तन मांजती थी, उसके बाद जो है, क्योंकि वो खानदानी मेड थी और जो मैं थी वो मतलब कि कह सकते हैं परमानेंट मेड होकर गई थी ससुराल, जब ससुराल गई थी तो नई नई मेड थी मैं, जो है दिन भर बर्तन मांजती है, मतलब कि मेहंदी लगे हाथों से मैंने दूसरे दिन ही बर्तन मांजना, पहले दिन तो रात हो गई थी पर दूसरे दिन से मैंने बर्तन मांजना शुरू किया था, और हर 10 मतलब मान के चलिए कि 10 मिनट पे अगर किसी ने बर्तन कर दिए हैं तो वो सिंक में पड़े रहने पर मेरे घर वाले बहुत नाराज होते थे, और तुरंत बर्तन मांजना होता था, और वो सिंक में बर्तन मांजना पसंद नहीं करते थे, जैसे कि गांव में होता है कि वो लोग बाथरूम जैसे एरिया में बर्तन मांजते थे, तो वहां पर बैठ करके बर्तन मांजना होता था, साड़ी पहन करके बर्तन, और इतनी सारी चूड़ियां जो नई नई पहनी होती है तो देख देख के मुझे कभी कभी रोना आता था कि मतलब मेड लगने के बावजूद भी मैं सुबह से शाम तक 5-7 बार बर्तन मांज देती थी। उसके बाद इतनी सारी शिकायतें मुझे सुनने को मिलती थी कि मैं शहर की लड़की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, और ये फिलहाल ये बर्तन तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बर्तन के अलावा वहाँ पर जो है ऐसे करते थे ना, जैसे गाँव में लोग नहीं होता है कि जैसे यहाँ पर खाया और खाया जो भी है यहाँ पर खा करके ऐसे फटाके फेंक दिया, तो उसके बाद फिर बहू जो है, जो परमानेंट मेड है, वो वाली मेड तो सुबह शाम करेगी, पर जो परमानेंट मेड है ना वो आकर के साफ करेगी उनके आम के छिलके,
और वहीं पर पड़े होते थे जहाँ वो खाते थे, और जो मूंगफली खाते थे तो उठा के वैसे ही फेंक देते थे, क्योंकि वहाँ बड़ा सा कॉरिडोर होता था, बहुत बड़ा सा, वहाँ पर सब लोग सोफे में बैठ करके खा खा के ऐसे फेंक देते थे। और फेंकने के बाद उम्मीद की जाती थी कि जो नई नवेली बहू आई है, क्योंकि उसका जो नई नवेली बहू होती है थोड़ा दब के रहती है, वो बहू आए और वहाँ मेट की तरह वहाँ पर साफ करे। अगर उसने नहीं साफ की है तो उसका पति जो लुधियाना में रहता है, दूर रहता है, उससे फोन पे जा करके कंप्लेन की जाती थी कि शहर की लड़की लेकर तो आ गए हैं पर लड़की कुछ काम नहीं करती है। तो देखिए मैं किस तरह से, आप खुद देखते हैं मेरे व्लॉग में किस तरह से मैनेज करती हूँ, यहाँ पर सब कुछ मैनेज करती हूँ और घर को हर तरह से मैनेज करती हूँ, पर ससुराल वाले मेरे से कभी खुश नहीं रहते थे। और इतने बर्तन धुलने के बाद भी बहुत सारे बर्तन हैं। ये बर्तन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो फेस्टिवल टाइम था, फेस्टिवल टाइम में भी नई नई चीज़ें निकली, तो जब नई नई चीज़ें निकलती हैं और उनको आप रखते नहीं हो ना, तो वो सारी चीज़ें जो है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कटोरी हो, कुछ भी हो, सब इस्तेमाल होने लगती हैं, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं इनको अब रखूँगी, रखने के बाद जो है थोड़े बर्तन कम हो जाएंगे। पर यही सब चीज़ें हम सब जगह करते हैं कि मतलब चाहे यहाँ हो, चाहे वो ससुराल हो, सब जगह करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जो नहीं देख पाते हैं उनको दिखता नहीं है कि कितनी मेहनत होती है इन कामों में। और उनको लगता है कि बस जो शहर की लड़कियाँ होती हैं वो काहिल होती हैं, और जो पहली बहू होती है वो बहुत समझदार होती है, और जो दूसरी बहू छोटी बहू होती है वो बहुत ही बेवकूफ़ होती है, मतलब कि उसको पूरे टाइम जुटाए रहो जितना मन करे उतना, अगर नहीं जुटती है तो भी वो तुम जो है बहुत बड़ी काहिल हो। और फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है इतनी मेहनत के बाद। और जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे MCA जो है लास्ट ईयर चल रहा था, तो मेरे ससुर जी ने कहा था कि लास्ट की मतलब शादी कर दीजिए, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे नहीं इसका लास्ट ईयर है, मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि ससुराल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि नहीं लास्ट ईयर इसका कम्प्लीट हो जाएगा। तो लास्ट ईयर जब मैं शादी हो गई, पर लास्ट ईयर कम्प्लीट होने के बाद जब मैं कॉपी किताबें लेकर आई, तो जो सास होती हैं वो आप कहें कि जो है एक बहू को बेटी मान लिया जाता है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि माँ तो यही सिखा के भेजती है कि बेटा सास को माँ मानना, पर जो सास होती है वो कभी बेटी नहीं मान पाती। तो MCA की पढ़ाई तो गई भाड़ में, वो तो मैंने मायके में जाके फिर से एक महीने रुक करके अपना एग्ज़ाम दिया, और जब तक मैं वहाँ रहती थी तो दिन भर उन लोगों की सेवा करनी थी, तो मैं कहाँ से पढ़ाई कर पाती। और रात में जब हस्बैंड का फ़ोन आता था तो हस्बैंड कहते थे, मैं कहती थी मैं पढ़ाई कर रही हूँ रात में, तो हस्बैंड का कहना होता था कि तुमने दिन भर क्या किया है। अगर दिन भर कह दो कि मैं काम कर रही थी, तो उन लोग को उनका कहना होता था कि झाड़ू पोछा बर्तन करने में कितना टाइम लगता है। तो बड़ा ही मुश्किल था मुझे समझाना दोनों पक्ष को, और तो दिन भर उनकी सेवा करो और रात में हस्बैंड की बातें सुनो। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर मैं मायके जा करके मैंने एक महीने अपने MCA का लास्ट ईयर प्रोजेक्ट फाइनल जो था वो कंप्लीट किया किसी तरह से। तो ये सारे मिथ हो चुके हैं, ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि जो है बहू भी कभी बेटी हो सकती है। और फ्रेंड्स ये टाइम है मेरे इस समय प्लांट्स को देने का, क्योंकि मैंने इनके लिए बनाई है मॉस स्टिक। एक्चुअली क्या है ये यहाँ पर ना ये मनी प्लांट काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और लंबा होने की वजह से ना इसका जो है इसमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो आज मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ी वाली दे दूंगी, ये मैंने रस्सी से बनाई है और इसमें इसको लगा दूंगी। अब थोड़ी सी ये चाय पत्ती और ये प्याज के छिलके लाई हूँ मैं इनके लिए।
और फाइनली जो है हो गई है मेरे गार्डन की सफाई, किचन की सफाई हो चुकी है। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं कि मैं इतना क्लीन करती हूँ। और मैं, मुझे ये भी नहीं पसंद है कि मतलब मैं खाली टाइम में बैठूँ, या 2 से 4 का टाइम होता है लोगों के सोने का तो वो मैं सोऊँ, वो वाली आदत नहीं है मुझ में। और जबकि मेरे ससुराल में ऐसा था कि 2 to 4 जो है वो फिक्स था, सोने का टाइम था, पर वो पसंद करते थे कि जब वो सोएं तब मैं चाय बना रही हूँ, शाम का कोई स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप किस बिना पे सोचते हो कि आपकी बेटी आराम कर रही हो उस टाइम बहू जो है वो लगी पड़ी हो। बहू के जो फ़र्ज होते हैं, अगर उसे आप आज़ाद ऐसा फ्रीडम दो कि वो अपने काम को निभाते हुए अपनी भी ज़िंदगी जी सके, तो कोई भी बहू है वो सास से कभी शिकायत नहीं करेगी। पर आप सोचोगे उस टाइम बेटी भले आराम कर रही हो, बेटी भले कोई काम नहीं कर रही हो, पर जो बहू है ना वो आपकी लगी रहे, और लगने के बाद भी अगर मौका मिलता है ना तो सास लोग कोई बुराई होने का मतलब कि इतनी सी बुराई अगर उनको मिल जाती है या निकाल पाती हैं तो वो करने से मतलब मम्मी से कहने से बिल्कुल डरती नहीं है। तो ये चीज़ें तो सब लोग झेलते हैं, और जिन लोग के घर में अच्छा है वो अच्छी बात है, पर मुझे पता है कि सबके साथ ऐसा होता है। तो बहुएं कभी बेटी नहीं बनती और ना ही एक सास कभी माँ बन सकती है। हाँ, कुछ केस में कह सकते हैं कि हो सकता है भगवान चमत्कार कर सकता है, फिलहाल मेरे केस में भगवान बिल्कुल ही आग बंद करके बैठा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ वीलॉग को एंड करते हैं। आई होप सो आपको मेरी मेहनत और वीलॉग दोनों पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आप लोग से एक शिकायत मेरी और भी है, वो शिकायत है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो शिकायत ये है कि जब मैं और बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी हैं लोग, वो भी व्लॉगिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ उनके व्यूज़ मेरे व्यूज़ से बल्कि कम होते हैं, पर उनके लाइक्स ज़्यादा होते हैं, उनमें लोग इंगेज ज़्यादा रहते हैं। पर आप लोग इतने व्यूज़ करते हो, मेरे व्यूज़ अच्छे हैं, मेरा व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत टाइम तक वॉच करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस, पर आप लोग एक लाइक बटन प्रेस करने में इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं कि मतलब अगर आप देख रहे हो, डेली देख रहे हो, आपको ये पसंद आ रहा है तो या तो आप लाइक कर दो, और आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है, मतलब कि आप मेरे से मुझे पसंद ही नहीं करते हो तो फिर आप जो है, कुछ लोग तो डिसलाइक मार के चले जाते हैं, अरे भाई मत आओ। मैं कहती हूँ, मैं साफ कहती हूँ कि अगर आपको व्लॉग नहीं पसंद आता है, डेली आप वॉच करते हो, अगर कुछ भी आपको अच्छा दिखे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन तो मिलता है। पर जब मैं वहाँ देखती हूँ जहाँ लोगों के 100 व्यूज़ में, अगर जहाँ लोगों के 25-30-40 लाइक होते हैं, 40-40-50-50 लाइक होते हैं 100 व्यूज़ में, तो मुझे आश्चर्य होता है कि भाई मेरे व्यूज़ इससे ज़्यादा हैं, कई ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी लोग लाइक नहीं करते। तो आई होप सो आप लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।